हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटरकॉलेज बरानी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पांच पाठवां है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। क्या हम लोग? लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। संसार में कोई भी जंतु होता है, उसमें एक निश्चित प्रक्रिया होती है लिंग निर्धारण की, जिससे उससे पता चलता है कि जो संतान है वो नर है कि मादा है। लिंग निर्धारण के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने समय समय बहुत से अपने मत दिए हैं। कुछ का मत था कि गुणसूत्र के द्वारा क्या लिंग का निर्धारण होता है, कुछ का मत था क्या कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा क्या होता है लिंग का निर्धारण होता है। इसके अलावा को कई वैज्ञानिकों ने अपने कई कई मत दिए हैं, तो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। पहला क्या है? लिंग निर्धारण गुणसूत्रवाद, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इट मींस क्रोमोसोम निर्धारित करेगा कि होने वाला जो संतान है वो नर है कि मादा है। इस विचार को सबसे पहले कौन प्रस्तुत किया था? मैकलंग ने 1902 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार क्या था? गुणसूत्र दो तरह के होते हैं। दैहिक गुणसूत्र होता है जिसको हम ऑटोसोम बोलते हैं, एक होता है लिंग गुणसूत्र जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, दैहिक गुणसूत्र, और दूसरा होगा लिंग गुणसूत्र। हम जानते हैं कि गुणसूत्रों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? आपके जीन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जीन। तो वह जीन जो दैहिक गुणसूत्र पे पाया जाएगा, वह दैहिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएगा। फिर से, वह जीन जो दैहिक गुणसूत्रों पर पाए जाएंगे, वह दैहिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएंगे, जबकि वह जीन जो लिंग गुणसूत्र पे पाए जाएंगे, वह लिंग के निर्धारण में मदद करेंगे। तो यहाँ दो तरह के गुणसूत्र हो गए हैं। अब यह है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, समयुग्मकी हो सकते हैं। दोनों गुणसूत्र जो एक समान हो तो समजात, या असमान हो तो विषमजात कहते हैं। ये समयुग्मकी कहलाएगा, जबकि विषम जात विषमयुग्मकी कहलाएगा, होमोगैमेटिक और हेटेरोगैमेटिक। इस लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद के अनुसार चार तरह के लिंग निर्धारण है। नंबर वन है एक्स 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 टाइप प्रकार का लिंग निर्धारण, दूसरा है एक्स 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 जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण, जेड डब्ल्यू जेड जेड प्रकार का लिंग निर्धारण, जेड जीरो जेड जेड प्रकार का लिंग निर्धारण। तो जो पहले प्रकार का लिंग निर्धारण है उसमें मादा जो होती है वो क्या होती है? समयुग्मकी है, जबकि नर क्या है? विषमयुग्मकी है। होमोगैमेटिक मादा है, हेटरोगैमेटिक नर है। इस तरह का जो लिंग का निर्धारण है मानव में पाया जाता है, ड्रोसोफिला में पाया जाता है। ये हम लोग के सिलेबस में दिया हुआ है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा है एक्स 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 जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण। इसमें जो मादा है एक्स एक्स, यह समयुग्मकी है अर्थात होमोगैमेटिक है, जबकि नर क्या है? विषमयुग्मकी हेटरोगैमेटिक। इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो खटमल में पाया जाएगा और किट्टा में पाया जाएगा। तीसरा जो है मादा जो होती है जेड डब्ल्यू अर्थात विषमयुग्मकी है, जबकि नर जेड जेड वो क्या है? समयुग्मकी है। इस तरह का बनावट जो है लिंग निर्धारण मुर्गा सरीसृप इत्यादि में पाया जाता है। और चौथा जो है जिसमें मादा क्या है? विषम जात है, मतलब समयुग्मकी है, जबकि नर जो है समयुग्मी, ये जो मादा है विषमयुग्मकी जबकि नर क्या है? समयुग्मी। इस तरह का जो बनावट है चींटी में, बर्र में और तितली इत्यादि में पाया जाता है। इस तरह के चार तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइप्स हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर आधारित हैं। तो हमको पढ़ना है मानव का लिंग निर्धारण और मधुमक्खी का निर्धारण और मुर्गी का लिंग निर्धारण। तो यहां सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एक्स 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 टाइप प्रकार के लिंग निर्धारण पढ़ेंगे क्या हम लोग? मानव में लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। आइए समझते हैं, मानव जो होता है क्या? वह द्विगुणित जंतु है अर्थात डिप्लॉयड है। उनमें क्रोमोजोम की संख्या 46 होती है और हैप्लॉयड के रूप में 23 होते हैं, अर्थात 23 जोड़ा गुणसूत्र मनुष्य में पाया जाता है।
तो गुणसूत्रों में जो मनुष्यों में जो गुणसूत्रों की संख्या 23 पेयर है, जो शुरू के जो 22 पेयर जोड़े हैं, 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसे दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं, या दैहिक करेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जबकि 23वां जो लास्ट है वो कहलाता लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है। नर में ये क्या होता है, विषम युग्मकी होते हैं, जबकि मादा में सम युग्मकी होते हैं। नर में जो एक्स है थोड़ा बड़ा होते हैं, वाई छोटा होते हैं, इसलिए विषम युग्मकी, और इसमें मादा जो है एक ही साइज की होती है, एक्स उसे सम युग्मकी कहते। आइए लिंग निर्धारण देखते हैं। जो नर में जो जनक के रूप में लिए इसके अंदर जो गुणसूत्रों की व्यवस्था एक्स एक्स वाई टाइप, केवल हम सेक्स लिंग गुणसूत्र के आधार पर बनाने की कोशिश करें। किसी किसी बुक में दैहिक गुणसूत्र के साथ ही सेक्स डिटरमिनेशन कराया है, तो हमने सरल रूप में ये चुना है। तो नर में एक्स वाई हो गया, जबकि मादा में एक्स एक्स हो गया। अब मियासिस होता है तो युग्मक का निर्माण होता है, तो एक्स युग्मक बनेगा और वाई युग्मक बनेगा। ये स्पर्म हो गया शुक्राणु, जबकि मादा में जो युग्मक बनेंगे अंडाणु बनेंगे, एक्स वाला अंडाणु ओवम जिसे बोलते हैं। अब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन के उपरांत संतान उत्पन्न होंगी, जब एक्स और एक्स मिलेंगी संतान मादा होंगी, और एक्स जब एक्स मिलेंगे संतान मादा होंगी, जब एक्स और वाई मिलेंगे तो संतान नर होंगे, एक्स और वाई मिले संतान नर। अर्थात यहाँ 50% चांसेज है मादा के और 50% चांसेज है नर के। अर्थात नर का निर्माण कब होगा, जब एक्स गुणसूत्र मादा का रहेगा और वाई गुणसूत्र नर का रहेगा, तो जो संतान उत्पन्न होगा वो मेल अर्थात नर होगा। मादा जो संतान कब उत्पन्न होगी, जब नर का एक्स गुणसूत्र मिलता है और मादा का एक्स गुणसूत्र मिलेगा, तब जो संतान होगी वो मादा होगी। यहाँ पे 50% चांसेस मादा और नर होने के। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोगों को कहना है कि जो महिलाएं क्या होती हैं, लड़का नहीं पैदा कर पाती हैं, लड़का न उत्पन्न होने की वजह से उनको समाज में छोड़ देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दोष किसका है, मेल का है, क्योंकि मेल के ही गुणसूत्र में क्षमता है कि आने वाला संतान नर हो कि मादा, क्योंकि मेल में ही एक्स गुणसूत्र है फीमेल में, अरे मेल में ही वाई गुणसूत्र है फीमेल में, ऐसा वाई गुणसूत्र नहीं है। अर्थात ये सिद्ध होता है कि मेल के एक्स वाई गुणसूत्र ही लड़का होने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए लड़का न होना मादा का कोई भी दोष नहीं है। अब हम पढ़ेंगे क्या एक्स 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 वाई टाइप के प्रकार में, हम पहला पढ़े थे क्या मानव में लिंग निर्धारण। दूसरा एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। ड्रोसोफिला में 4 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। प्रथम जो जोड़ा गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरा तीसरा चौथा जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो दैहिक गुणसूत्र होता है। हम लोग में आखिरी 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जबकि ड्रोसोफिला में पहला जोड़ा ही लिंग गुणसूत्र होता है। आइए देखते हैं, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं नर में एक्स वाई के रूप में होते हैं, मतलब विषम युग्मकी होते हैं, जबकि मादा में क्या होते हैं सम युग्मकी। नर में जो एक्स गुणसूत्र रॉड के आकार का होता है, जबकि वाई गुणसूत्र छोटा और हुक के आकार का होता है, हुक शेप्ड होता है। मादा में ये रॉड शेप होता है। यही अंतर है मेल में कि वाई गुणसूत्र थोड़ा टेढ़ा हुक के आकार का होता है। आइए मैकेनिज्म देखें। जनक के रूप में नर मादा लिया गया एक्स वाई, मादा के रूप में एक्स एक्स। जब युग्मक निर्माण होता है तो नर से एक एक्स युग्मक बनता है एक वाई, जबकि मादा से एक एक्स और एक वाई। अब इनके बीच में संकरण कराया जाता है तो एक्स नर का मादा का एक्स जब आपस में मिलता है तो वह संतान क्या कहलाती है, मादा कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है एक एक्स 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 गुणसूत्र नर का एक मादा का है। दूसरा जो संकरण होगा एक्स और एक्स, नर के एक्स से मादा के एक्स से, यहां भी जो संतान होगी वो मादा होगा। जबकि अगला एक्स और वाई का जब संकरण होगा तो संतान नर होगा,
जब एक्स और वाई का होगा तो संतान क्या होगा? यहाँ भी 50% चांसेस किसके हैं? नर होने के, और 50% चांसेस होते हैं मादा। ये था दो एग्जांपल मानव में और ड्रोसोफिला में, किसका था? एक्स 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 वाई टाइम, अर्थात यहाँ पे मादा होमोगेमेटिक थी समयुग्मकी, जबकि नर जो था क्या? विषमयुग्मकी था। अगला हम देखते हैं, दूसरा टाइप है एक्स 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 जीरो टाइप, यह कीटों में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल ग्रुप में हम टिड्डे के बारे में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं, इसमें एक्स एक्स जो होते हैं मादा जो होती है समयुग्मकी होती है, जबकि नर जो होता है विषमयुग्मकी होती है। अर्थात नर दो तरह के युग्मक बनाते हैं, एक युग्मक में एक्स गुणसूत्र होता है जबकि दूसरे युग्मक में एक्स गुण अब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है 2L, इसका जो 2N अवस्था है वो 24 है और हैप्लॉयड अवस्था 12 है, अर्थात टिड्डे में 12 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। आइए देखते हैं, नर जो होता है इनका, इनके अंदर एक गुणसूत्र नहीं होता है, इनकी 2N जो अवस्था होती है वो 23 हो जाती है, जबकि मादा में जो 2N अवस्था होती है वो 24 होती है। यहाँ देखिए, ये जो 22 लिखा गया है ये ऑटोसोम लिखा है, दैहिक गुणसूत्र 22 हो गया, एक एक्स हो गया 23, यहाँ पे कोई युग्मक में गुणसूत्र नहीं है, तो 22 23, 2N बराबर 23 नर हो गए। मादा में देखिए 22 23 24, इसीलिए 24 लिखा, मादा में 24 गुणसूत्र होते हैं TA और 2N बराबर, जबकि नर में 2N बराबर 23 होते हैं, क्योंकि एक युग्मक में क्या होता है? एक्स गुणसूत्र नहीं। आइए देखिए, ये जब युग्मक बनाएगा दो तरह के युग्मक बनाएगा, एक युग्मक में क्या होगा? एक्स गुणसूत्र है, दूसरे में एक्स गुणसूत्र नहीं है, लेकिन ऑटोसोम आधा हो जाएगा, इधर ऑटोसोम आधा हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस के बाद गुणसूत्रों की संख्या आती है। और यहाँ देखिए, मादा में जब युग्मक बनते हैं एक एक्स यहाँ आएगा इस युग्मक में, एक एक्स इस युग्मक में, इसका आधा है 11 और 11। अब ये जब युग्मक बन गए तब इनका संकरण होगा, संकरण के बाद ये मान लीजिए ये आपका शुक्राणु है, वो जाकर के किससे मिलता है? मादा के अंडाणु से, तो इधर से आपका 11 आया, इधर से 11 22 हो गए, इसका एक एक्स आया, एक इसका एक्स है, ये जो संतान होगी 22 प्लस एक्स, इसमें 22 23 24, 2N बराबर 24, तो ये संतान मादा होगी। अब इनका और इनसे मिलन हुआ तो 11 11 22, इसका एक्स आया तो एक्स एक्स, तो 2N बराबर 24, मतलब 22 23 24, तो ये मादा होगी। इधर देखिए, इनका एक है और इनसे मिलन हुआ, इसका 11 यहाँ आया, इसका 11, 22 तो हो गए, इसका एक एक्स गुणसूत्र आया, लेकिन यहाँ पे कोई गुणसूत्र नहीं, 0 लिखा गया है, तो 22 21 23, तो 2N बराबर 23 है, इसे कहेंगे नर। ठीक, इनका और इनसे मिलन हुआ, 11 2 22 आ गए, एक एक्स इसका आया, 0 इनका आया, तो 22 23, 2N बराबर 23, ये नर हुआ। अर्थात कह सकते हैं, जब जिस संतान में एक्स 0 प्रकार की व्यवस्था होगी गुणसूत्रों की, वह संतान नर होगी, नर होगा, और जिसमें एक्स एक्स की व्यवस्था होगी वह संतान क्या होगी? मादा। अब हम लिंग निर्धारण के गुणसूत्रवाद के हिसाब से तीसरा टाइप पढ़ेंगे, क्या हम लोग? ZW ZZ प्रकार। इसमें जो ZW है वो मादा है, जबकि ZZ जो वो नर है। ZW जो मादा है वो विषम युग्मकी है, अर्थात ये दो तरह के युग्मक बनाएगी, एक युग्मक में Z गुणसूत्र होगा और दूसरे युग्मक में W गुणसूत्र होगा, जबकि नर जो है वो समयुग्मकी है, दोनों युग्मक में वो ZZ गुणसूत्र को रखे रहेगा। इस प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वह किसमें पाया? चिड़ियों में पाया जाता है। उसके एग्जाम्पल के रूप में है क्या? चिकेन, और कुछ सरसृप में क्या होता है? इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। आइए देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जनक रूप में जो मादा है वो क्या है? विषमयुग्मकी है, जबकि नर क्या है? समयुग्मकी है। युग्मक जन्म के दौरान जो मादा होगी वो दो तरह के युग्मक बनाएगी, एक युग्मक में जेड गुणसूत्र होगा और दूसरे युग्मक में क्या होगा?
डब्ल्यू गुणसूत्र होगा। इसी तरह नर्व क्या है आपका समयुग्मक है, या युग्मक जनन के दौरान दो तरह के युग्मक बनाएगा, दोनों में क्या होंगे जेड जेड गुणसूत्र होंगे। अब इनके आपस में संकरण कराएंगे, इनका जो मादा का जेड है वो नर के जेड से मिलेगा तो क्या बनेगा जेड जेड। ये जो संतान होंगी वो क्या होंगी नर होंगी, क्या होंगे नर होंगे। अब देखिए दूसरा, मादा का जो जेड है नर के दूसरे जेड वाले युग्मक से मिलेगा तो व्यवस्था क्या हो जाएगी जेड जेड, या भी जो संतान होगा वो क्या होगा नर होगा, क्योंकि इनके अंदर गुणसूत्र जेड जेड है अर्थात ये क्या है समयुग्मक अवस्था में, इसलिए क्या नर होंगे। अब देखिए दूसरे में, इसमें देखिए एक का नर का जो जेड युग्मक है मादा के डब्ल्यू युग्मक से मिलेगा क्या बनाएगा जेड डब्ल्यू, इस तरह के संतान क्या कहलाएगी मादा कहलाएगी, क्योंकि इनके अंदर युग्मक क्या है विषम युग्मक की अवस्था में जेड डब्ल्यू है। अब देखिए नर का जेड है और मादा का डब्ल्यू मिलेगा तो बनेगा जेड डब्ल्यू, ये जो संतान कहलाएगी क्या मादा कहलाएगी, क्योंकि युग्मकों की व्यवस्था क्या है विषम युग्मक की है। यहाँ भी देखा गया कि 50% चांसेस नर होने के और 50% चांसेस है मादा होने के। अब है चौथा जो गुणसूत्रवाद के अनुसार है वो कौन सी व्यवस्था है जेड जीरो जेड जेड प्रकार का, इसमें जो मादा होती है वो क्या विषम युग्मक की होती है जबकि नर जो होते हैं समयुग्मक की होते हैं, अर्थात जो मादा है दो तरह के युग्मक बनाएगी, एक युग्मक में जेड गुणसूत्र होगा एक युग्मक में कोई गुणसूत्र नहीं होगा, जबकि मादा जो जो नर है वो दो तरह के युग्मक बनाएंगे दोनों में क्या होंगे आपके जेड जेड गुणसूत्र होंगे। इस तरह की व्यवस्था चींटी है तितली है मौत में पाई जाती है। आइए देखते हैं संकरण कैसे कराया जाता है। ये जनक के रूप में हम लोग मादा वो ले लिए, मादा ले लिए एक तरफ नर ले लिए, मादा जो आपकी क्या है विषम युग्मकीय नर क्या है समयुग्मकीय है, तो यह युग्मक जनन के दौरान क्या बनाएंगे युग्मक बनाएंगे, तो मादा दो तरह के युग्मक बनाएगी, एक युग्मक में आपका जेड गुणसूत्र रहेगा और दूसरे युग्मक में कोई गुणसूत्र नहीं रहेगा, उसे हम जीरो से दर्शा रहे हैं, जबकि जो नर है वो क्या समयुग्मकीय है, ये दो तरह के युग्मक बनाएंगे दोनों में आपके जेड जेड गुणसूत्र होंगे। अब आप देखते हैं संतान उत्पन्न कराने के लिए, संतान अब इनका संकरण होगा, मादा का जेड जो युग्मक है नर के जेड युग्मक से मिलेगा तो व्यवस्था क्या होगी जेड जेड, यह जो संतान नर कहलाएगा। दूसरा संकरण में मादा का जेड है और नर का क्या है जेड है, इसमें जो गुणसूत्रों की व्यवस्था होगी जेड जेड होगी, इसलिए हम इसको नर कहेंगे। आप देखिए नर का जेड है मादा का वह युग्मक है जिसके अंदर कोई गुणसूत्र नहीं है, तो यहाँ पे जेड जीरो की व्यवस्था आएगी या संतान मादा कहलाएगी। दूसरे में क्या है एक नर युग्मक जेड है मादा का वह युग्मक है जिसके अंदर कोई गुणसूत्र नहीं है, तो गुणसूत्रों के जेड डब्ल्यू जेड जीरो आएगा, ये मादा कहना है। यहाँ भी देखने को मिला कि 50% चांसेस क्या है नर होने के, 50% चांसेस है मादा होने के। इस तरह हमने क्या पढ़ा लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत था एक्स 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 वाई टाइप, जिसमें मादा क्या थी समयुग्मकी और नर क्या था विषमयुग्मकी। दूसरा था एक्स 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 जीरो टाइप, दूसरे आले में जो मादा थी समयुग्मकी जबकि नर क्या था विषमयुग्मकी। तीसरे प्रकार में जेड डब्ल्यू जेड जेड, अर्थात मादा क्या थी विषमयुग्मकी नर क्या थे समयुग्मकी। और चौथे आले में जेड जीरो जेड जेड, अर्थात मादा क्या है विषमयुग्मकी नर क्या है समयुग्मकी। इस तरह हमने लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत को पढ़ा। धन्यवाद, नमस्कार।